बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर सरफेस रफनेस क्या होती है। एक सरफेस यहां पे शो किए हैं और ये देखिए इसकी रफनेस को शो किए हैं, तो इरेगुलरिटीज इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस नोन एज रफनेस। इसकी इरेगुलरिटीज अनियमितता, देखो अनियमितता, जितना ज्यादा इरेगुलरिटीज होती उसकी रफनेस उतने ज्यादा होगी। अब हम बात करेंगे रफनेस की टर्मिनोलॉजी पे, रफनेस की टर्मिनोलॉजी। तो देखिए यहां पे हम इरेगुलरिटीज को दिखाए हैं, तो देखिए ये वर्क पीस है, ये हमारी इसकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो देखो ये डायरेक्शन ऑफ लेस, डायरेक्शन ऑफ लेस, ये हमारी वाई एक्सिस की रिकॉर्डिंग है। तो देखो जब हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इरेगुलरिटी देखे हैं, तो देखिए इसमें क्या चीजें मिलती हैं, यहां से यहां तक इरेगुलरिटीज, इसको बोलते हैं रफनेस विड्थ, रफनेस विड्थ। और यहां पे देखो ये है इसकी रफनेस हाइट, रफनेस हाइट। तो ये रफनेस हाइट यहां पे देखो शो किए हैं, इसको बोलते हैं पीक और इसको बोलते हैं वैली। तो जितने ज्यादा रफनेस हाइट होगी उतने ज्यादा इसकी एवरेज रफनेस वैल्यू और आर वाई की वैल्यू ये बढ़ेगी, इसके विषय में बात करेंगे। तो देखो इस वर्क पीस में हम बात करते हैं, ये जो लेंथ है ये सैंपलिंग लेंथ है, जब हम एवरेज निकालते हैं तो इनके बीच में इरेगुलरिटीज देखते हैं। तो इसकी टर्मिनोलॉजी के विषय में बात करते हैं सरफेस रफनेस के, आरए वैल्यू, आरए जिसको बोलते हैं एवरेज रफनेस, एवरेज रफनेस वैल्यू। तो आर इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए आर इक्वल टू अगर हम यहां बात करें, ये वाई वन वाई टू ऐसे वो वाई थ्री ऐसे वाई एन तक है, तो एवरेज रफनेस वैल्यू क्या होगा, आर इक्वल टू वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डॉट 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 वाई एन अपन एन, ये हो गया एवरेज रफनेस वैल्यू। इसके बाद अगर हम बात करें आरजे, तो देखो आरए वैल्यू, आरए वैल्यू देखो या वाई वन वाई टू, ये y1, y2, y3 इनकी जो पीक है ये वैल्यू 3, 4, 5 ऐसे करके आएगा। ये जो इनकी पीक है, जो ये रफनेस की हाइट है, ये जितना ज्यादा आएगी आरए वैल्यू उतने अधिक होगी, रफनेस एवरेज रफनेस वैल्यू उतने अधिक होगी। अब हम आरजेड की बात करते हैं, आरजेड क्या होता है, तो आरजेड देखिए ये, अब देखो आरजेड वैल्यू बात करते हैं, तो ये हमारी सैंपलिंग लेंथ देखो यहां से यहां तक कितनी है, ये है सैंपलिंग लेंथ या सैंपल, यहां तक हमने देखो पांच पीक वाई में, देखो ले डायरेक्शन ऑफ ले अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो रफनेस हमारी नहीं आएगी, कम आएगी, लेकिन इसके विपरीत में देख रहे हैं, ले आप डायरेक्शन के विपरीत में रफनेस निकाल रहे हैं, तो देखो यहां पे वैली और पीक ज्यादा बन रहे हैं। तो देखिए आरजेड वैल्यू क्या होती है,
पहले हम वाई वन वाई पी वन पी प्लस वाई पी टू प्लस वाई पी थ्री प्लस वाई पी फोर प्लस वाई पी, पहले हमने पीक को पांच पीक दिए हैं प्लस कर लिया माइनस, इसके बाद ये देखो वैली वाई बी वन प्लस वाई बी टू प्लस वाई बी थ्री वाई बी फोर वाई बी डिवाइडेड बाई फाइव, पांच सिंपल लिए। तो ये हमारा आरजेड वैल्यू होती है, क्या होती है आरजेड वैल्यू, आर जेड वैल्यू। अब हम बात करते हैं आर वाई, आर वाई। तो देखो आर वाई यहां पे देखो मैक्सिमम ये है और मिनिमम वैली, पीक में मैक्सिमम हाइट ये है और वैली में ये है, तो जो इनके बीच की डिस्टेंस है इसको बोलते हैं वाई इसको बोलते हैं आर आर वाई वैल्यू, ये डिस्टेंस। अब इसके हम सिंबल की बात करते हैं, रफनेस के सिंबल की। अनइक्वल लेग, अनइक्वल लेग यहां पे देखो पहला ए, ये यहां पे आर ए वैल्यू से होती है, आर ए वैल्यू कितनी है 6.3। इसके बाद यहां पे सो होता बी जिसको बोलते हैं, ये होता है कि हमारा किस मेथड से प्रोडक्शन मेथड, मिलिंग ऑपरेशन, फ्लैट सरफेस है तो मिलिंग ऑपरेशन से। इसके बाद सी, हम सी की बात करेंगे तो सी होती है सैंपलिंग लेंथ, सैंपलिंग लेंथ कितनी है 10 mm 12 mm जो भी है, तो हम इसको मान लेते हैं 10 mm, तो सैंपलिंग लेंथ यहां। इसके बाद हम बात करेंगे डी, डी होती है डायरेक्शन ऑफ ले, तो देखो इस सरफेस की हम जो डायरेक्शन ऑफ ले, तो ये क्या निकाली जा रही डायरेक्शन ऑफ ले, देखो डायरेक्शन ऑफ ले इधर है और हम सरफेस एक्स के रिकॉर्डिंग याद कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ ले के विपरीत दिशा में निकाला है, तो देखो यहां पे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जैसे देखो अलग अलग मैं बात करता हूं यहां पे जो डी सो होता है, अगर हम ऐसे निकाल रहे हैं तो यहां पे सिंबल क्या होगा परपेंडिकुलर, अगर हम रफनेस इसके ले आपके डायरेक्शन में निकाल रहे हैं तो उसके लिए यहां पे जो सिंबल यूज होगा, इसके लिए हमने सिंबल यूज किया परपेंडिकुलर का, अगर इसी डायरेक्शन में हमें निकाल रहे हैं, अगर हम रेडियल निकालते हैं या सर्कुलर निकालते हैं तो सर्कुलर ऐसे शो करते हैं, और अगर रेडियल बात करते हैं तो रेडियल में ऐसे होता है, तो ऐसा सिंबल यूज। इसके बाद हम बात करते हैं ई, ई बात करते हैं इसमें अलाउंस कितना है, तो यहां पे एक दो रफनेस में अलाउंस कितना है 1 mm 2 mm, तो ये रफनेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो अब हम बात करते हैं, देखो जैसे एक सिंबल और हम आपको दिखा रहे हैं होता है कि इस पे मशीनिंग ऑपरेशन नहीं होगा, ये जो बनेगा कास्टिंग फोर्जिंग इन ऑपरेशन से ये पार्ट मैन्युफैक्चर होगा, लेकिन जो हमने एग्जांपल बताया आर ए वैल्यू दिया है 6.3
रफनेस, अभी हमने बात की थी रफनेस की, y1 y2 y3 करके अपान n एवरेज रफनेस वैल्यू, r वैल्यू कितनी है, किस ऑपरेशन से बना ये पार्ट, मिलिंग से। इसके बाद हम बात करेंगे इसके सैंपलिंग लेंथ कितनी है, हमने रफनेस एवरेज रफनेस वैल्यू कहां कितने mm के बीच में ज्ञात करनी है, 10 mm। इसके बाद हमने बात किया ले आउट डायरेक्शन, जो ले आउट डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर हमने रफनेस निकाली है। उसके बाद बात करते हैं अलाउंस, हमारी रफनेस में कितने की अलाउंस है, एक या दो। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये मैटर करता है, अगर ये रफनेस की हाइट जितना ज्यादा होगी या ये वैल्यू और पीक जितना ज्यादा होगी उसकी एवरेज रफनेस वैल्यू उतना ज्यादा होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो इनकी रफनेस की हाइट है ये कम से कम हो और हमारा पार्ट फिनिश हो।